रिजल्ट मिलने में। हाँ जी, नमस्ते जी। हेलो सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं देहरादून से बोल रही हूँ सर। देहरादून से? हाँ जी, पूछें क्या सवाल आपका। नमस्कार पहले तो। नमस्कार जी। पिछली बार मुझे बहुत हाइपर हो गई, कैमरा ही नहीं सामने आ रहा था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आज बात। आज मेरे एक ही सवाल है सर। इतनी ज्यादा झाइयां भी नहीं थी, इधर साइड पे थी, लेकिन सर मेरी नोज पे कुछ बनने लग गया था और मैंने किसी के कहने से इसमें लेजर करा चुकी थी। उस समय मैं आपको थोड़ा बहुत ही फॉलो कर पाई थी, कुछ वीडियोस देखे थे। और मैं चिया सीड्स वगैरह लेती हूँ, फ्लेक्सीड ले रही हूँ डेली, और मतलब ड्राई फ्रूट भी डेली लेती हूँ। और बाकी सर मेरा जॉब ऐसा है कि मतलब खाना भी कई बार नहीं खा पाती हूँ ढंग से, और दही से मुझे ज्यादा ठंडा सूट नहीं करता है। गर्म चीजें सूट कर जाती हैं पर ठंडी नहीं करती हैं। अच्छा, तो दही तो मैं बहुत कम ले पाती हूँ। अच्छा, दूध ले लेती हूँ मॉर्निंग में। और बस मैंने सर जो ये लद्दाख पे अपनी लेजर करा लिया स्पॉट में, तो उसके ना ब्लैक निशान पड़ गए हैं। अच्छा, अब इसको क्या होगा सर? मैं ये टेंशन में हूँ, नोज में आ गए मेरी। इस गाल पे थोड़ा फर्क पड़ा था, ये यहाँ से साफ हुई, एक राउंड सा बना, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब सर सही कहते हैं, मुझे ये धीरे धीरे मेरा जाएगा। और मैं सर प्रॉपर मतलब आपका फिश ऑयल भी लेती हूँ नाइट में, मल्टीविटामिन लेती हूँ मैं इन लाइफ वाला, वुमन का। बस सर मैं प्रोटीन नहीं ले पा रही क्योंकि मैं पहले जिम करती थी, अब जब से ये लॉकडाउन हुआ कुछ जाना हो ही नहीं पा रहा कहीं। ये तो एक घंटा वॉक तो करती थी शाम को। आप क्या जॉब करती हैं? क्या जॉब करती हैं? ऐसी कौन सी जॉब है कि आपको वक्त नहीं मिलता खाने का, बताएं जरा। अभी मैं आपको डांट लगाता हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। मैं टेलीफोन एक्सचेंज में करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए आप ऐसा करें, अपने बैग में ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेके जाया करें, फ्रूट्स डाल लिया करें, दो ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर लगा लिया आपने, है ना, आपने घर से कुछ सैलेड बना लिया, कुछ और घर से चीजें बना के लेके जाएं। क्योंकि मैं जब नाइट शिफ्ट में था, जब ये मैं जॉब करता था, मैं नाइट शिफ्ट में था तो मैं अपने बैग में ना चीजें लेके जाता था, जब भूख लगी आपने अपने बैग में से चीजें निकाल के खा ली, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज ना देके मेरे पास वक्त नहीं मिलता, देखो वक्त तो निकालना पड़ता है। मैं ये सवाल करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था इसका कि खाना अपने लिए टाइम निकालो। बाकी ये कैसे जाएगा? आपने जो लेजर कराया ना, देखो लेजर कराने से क्या होता है ना, जैसे ही आप लाइट में जाएंगी या सनलाइट में जाएंगी, ये जो घर की जो लाइट है ना, यहाँ से भी इससे भी आपका ना फेस खराब हो जाएगा, स्किन जल जाएगी आपकी। सर मैंने पूरे उसमें तो कराया ही नहीं, सिर्फ वो स्पॉट की बात था। स्किन खराब होती होती है पीलिंग कराने से। देखो आप मुझे मौका तो दे बोलने का, आप तो बीच में ही टोक रही हैं। डाइट फॉलो करें जो मैंने बताई है, वर्कआउट करा करें, और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, ना मैंने जो जो बताया है उस चीज को अच्छे से फॉलो करें, और जितनी अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे भूख उतनी ज्यादा लगेगी, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट आप, मैं तो कहता हूँ जब तक ये मसला है प्रोटीन भी ले लो आप, ठीक है, एक स्कूप ही तो लेना। आइसोलेटेड एक प्रोटीन आता है वे का, आपने कहा था एक तो मतलब एक आइसोलेटेड वाला, तो कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी ले लो, जो जो मैंने देखा है ना, आप YouTube पे जाएंगे नीचे लिंक दे रखे हैं, कोई भी अपने बजट के हिसाब से आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आप ले लो और डाइट अच्छे से फॉलो करो, बस ये चला जाएगा, ये चला जाएगा सर। हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा, बस आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छे से मेहनत करती हैं, ठीक है। आपसे भी मिलने आऊंगी, ठीक है जी। चलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थी इंदु जी, जिन्होंने अपना फेस खराब कर लिया है लेजर करवा के। चलिए लाई लेते हैं सोनू।